नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। न जाने कितनी बार चली कांग्रेस में विभाजन की आरी, बिछड़े सभी बारी बारी। आजादी के बाद से कांग्रेस में बगावत और विभाजन की कहानी कोई नई नहीं है। जितिन प्रसाद इसी कहानी की बस एक नई किश्त है। राजस्थान के रनवे पर पायलट बगावत का प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं तो पंजाब में कैप्टन और ओपनर सिद्धू में फिर घमासान छिड़ा है। अगर देखा जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे जैसे लोकप्रियता और चुनावी राजनीति में सीढ़ियां चढ़ते गए, कांग्रेस के इस विशाल वृक्ष से पत्ते झड़ते चले गए। इसे क्या समझा जाए, मोदी इफेक्ट या कांग्रेस की नाकामियां? यूपी के रण में चुनाव से पहले ही गिरा टीम प्रियंका का पहला विकेट। राहुल के लेफ्टिनेंट जितिन का मोदी मैजिक से हुआ हृदय परिवर्तन। ये जो फैसला है तो ये क्षणिक और एक दिन का विचार नहीं है। बुद्धि, विवेक, हृदय तीनों का मिश्रण है और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। राजस्थान में अभी भी खत्म नहीं हुई है गहलोत और सचिन की टेंशन। 10 महीने बाद फिर टेक ऑफ को तैयार पायलट। पंजाब में कैप्टन की कहानी में ओपनिंग के लिए सिद्धू नहीं तैयार। चुनाव से पहले पावर प्ले में कौन बनेगा ज्यादा असरदार? ग्रासरूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा, कांग्रेस में और बढ़ा नेता और नेतृत्व का संकट। घमासान के बीच G23 गुट की कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग। अगर आप सुनना बंद कर दोगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर है। जैसे जैसे देश में मोदी का ग्राफ ऊपर की ओर गया, कांग्रेस का ग्राफ नीचे फिसलता गया। पिछले कुछ समय में जितने नेता कांग्रेस का हाथ झटक कर निकले हैं, पार्टी का ढांचा ही ढांचा बचा दिखता है। ।2014 के बाद देश की राजनीति में जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का सूरज चढ़ता गया, कांग्रेस के तारे धीरे धीरे टूटते गए। एक वक्त था जब कांग्रेस का देश के बड़े भाग पर कब्जा था, लेकिन मोदी मैजिक के सामने एक एक कर कांग्रेसी किले ढहते गए। अब सिर्फ 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सिमट कर रह गई है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 2 राज्यों में भी संघर्ष की स्थिति रहती है। महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की सहयोगी पार्टी बनकर रह गई है। ब्रांड मोदी के सामने कैसे फीकी पड़ती गई कांग्रेस की चमक, ये आंकड़े भी सियासत की दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। सियासत में मजबूत नेतृत्व के क्या मायने हैं वो आप इस नक्शे से समझ सकते हैं। मोदी के नेतृत्व में भगवा सुनामी ने कांग्रेस के हर किले को केसरिया रंग में रंग दिया। हम जब कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, हिंदुस्तान में इस चढ़ी हुई सोच को भारत से मुक्ति दिलाने का हम अभियान चला रहे हैं। पीएम मोदी के मुंह से निकला कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देखते देखते हकीकत में बदलने लगा। हम जब कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत तो उनको चुभता है। कांग्रेस ये संस्था नहीं रही, कांग्रेस महात्मा गांधी वाली नहीं रही,
कांग्रेस आजादी के दीवानों वाली नहीं रही। ये भ्रष्टाचार में लिप्त, परिवारवाद में डूबी हुई, जातिवाद का जहर फैलाने वाली, सांप्रदायिक रंग से रंगी हुई ये कांग्रेस पार्टी, ये संस्था नहीं, विचार नहीं, व्यवस्था नहीं, कांग्रेस पार्टी ये सड़ी हुई सोच का नमूना है। 2014 से 2021 के बीच सिर्फ 7 सालों में पूरे देश का सियासी नक्शा बदल चुका है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में कमल का फूल खिल चुका है। हाल के सालों में कांग्रेस कैसे रसातल में पहुंच गई है, उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। साल 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस का वोट शेयर 26.53% था, जबकि लोकसभा में उसे 145 सीटें मिली थी। 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी, तब कांग्रेस को 28.55% वोट मिले, जबकि सीटें 206 मिली। लेकिन जैसे ही 2014 आया और एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 19.52% वोट मिले, उसके खाते में सिर्फ 44 सीटें आई। यानी मोदी की देश की सियासत में एंट्री के साथ ही कांग्रेस के जहां 10% वोट कम हो गए, वहीं उसे 162 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में कांग्रेस फिर सिर्फ 52 सीटें ही जीत सकी, जबकि उसका वोट शेयर 19.7% रहा। बहुसंख्यक समुदाय के वोट जो है वो काफी तादाद में खिसक गए हैं, और सिर्फ बहुसंख्यक से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वोट नहीं बल्कि दलित वोट और ट्राइबल वोट भी कांग्रेस से खिसक गए हैं, और उसकी वजह से कांग्रेस को राज्यों में खासतौर से बहुत समस्या आ रही है, और लोकसभा के चुनाव में भी उसको अल्पसंख्यकों के वोट तो 50% से ज्यादा भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसा ममता बनर्जी का उदाहरण है कि बंगाल में उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट 75% 80% के करीब मिले और 50% वोट उन्हें बहुसंख्यकों के मिले, तो उन्होंने भाजपा को बआसानी परास्त कर दिया। लेकिन कांग्रेस को अधिकांश स्थिति में 20% वोट भी बहुसंख्यकों के नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी खेमे में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ता गया। हालात ये है कि सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस को उन क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करना पड़ रहा है जो कभी उसके रहमोकरम पर थे। कांग्रेस धीरे धीरे कार्यकर्ता विहीन भी होती गई, उसे भी इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। जनवरी 2020 तक बीजेपी के कार्यकर्ता 7 करोड़ बढ़ गए। बीजेपी के पास कुल 18 करोड़ रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जबकि अक्टूबर 2019 के डेटा के अनुसार कांग्रेस के पास सिर्फ 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं। ये गणना राज्य इकाइयों द्वारा सदस्यों के लिए जमा की गई राशि के आधार पर है। मोदी और कांग्रेस दोनों को देखें, जितना मोदी बढ़ते चले गए अपनी पॉपुलैरिटी में, कांग्रेस का ग्राफ उतना ही कम होता चला गया। 2014 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस की पार्टी का ग्राफ उतनी तेजी से गिरा जितनी तेजी से मोदी की पॉपुलैरिटी, उनका पॉलिटिकल प्रभाव बढ़ा। तो दोनों में सीधा संबंध है। लोग छोड़ के भी पार्टी को जा रहे हैं, और मोदी जी पहले उनकी पार्टी जो 5 या 6 राज्यों में राज करती थी, लगभग 17 राज्यों में राज करती है, और कांग्रेस पार्टी जो 12 से 13 राज्यों में राज करती थी, सिमट करके 3 प्रदेशों में आ गई है। मोदी का ये असर कांग्रेस के ऊपर पड़ता है। कांग्रेस सिकुड़ करके लगभग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। साल 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद शुरुआत के 5 सालों में 26 चुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी ने 19 में जीत दर्ज की। खास बात ये थी कि इन चुनावों में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।
इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुशबू सुंदर, टॉम वडक्कन, अल्पेश ठाकुर, रीता बहुगुणा जोशी, एस एम कृष्णा जैसे बड़े नाम। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों में सबसे नया नाम यूपी के जितिन प्रसाद का है। प्रसाद यूपी की सियासत में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला, मेरा मेरे 3 पीढ़ियों का साथ है उसको, वो जग जाहिर है। और मैं चुनाव जीता तभी तो मुझे यहाँ उस लायक समझा गया कि मैं केंद्र में दायित्व निभाऊं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पूरी निष्ठा और लगन से काम करूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथ को मजबूत करूंगा। कांग्रेस ने शायद ही इससे बुरे दिन कभी देखे हो। न कोई स्थायी नेतृत्व है, न ही जिन राज्यों में सरकार है वहां पर पार्टी की पकड़। कांग्रेस के खिसकते जनाधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली जहां कभी उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी और लंबे समय तक रही। कांग्रेस के पास किसी तरह उम्मीदों के लिहाज से 2022 में यूपी का चुनाव है। खुद प्रियंका वाड्रा के हाथ में कमान है, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही कांग्रेस में खेला हो गया। जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। 2014 से लेकर 19 तक की उनकी हार का जिक्र छेड़ दिया, नियत को कटघरे में खड़ा किया। जितिन प्रसाद को कांग्रेस में सभी लोग रेस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो पुराने कांग्रेस के घराने से आते थे, वो ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन थे और उनको अनदेखी तो नहीं किया गया। वो जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज बंगाल थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और उसके अलावा उनको हर दफा कंटेस्ट करने के लिए चांस दिया गया है। अब चांस देने के बावजूद फिर भी वो अगर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं और जिस आइडियोलॉजी के लिए उनके पिताजी ने और उन्होंने अब तक काम किया, वो सडनली अपना स्टैंड बदल दिए, ये बड़ी दुख की बात है। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें 2009 में धौरहरा सीट पर शिफ्ट कर दिया गया। वो 2009 में तो वहां से जीते लेकिन इसी सीट से 2014 में हार गए। 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें तिलहर सीट से लड़वाया गया लेकिन वहां पर भी उन्हें हार ही मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर धौरहरा सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने टिकट थमाया और जितिन प्रसाद एक बार फिर वहां से हार गए। दरअसल जितिन शाहजहांपुर सीट से ही खुद को सहज महसूस करते थे क्योंकि ये उनके पिता की भी सीट रही थी जहां से वो 1971 से जीत रहे थे। लेकिन 2004 के बाद जितिन को उस सीट से कभी लड़ने ही नहीं दिया गया और जब से प्रियंका वाड्रा ने यूपी की कमान संभाली तभी से जितिन यूपी में हाशिए पर चल रहे थे। यूपी की सियासत में जितिन के बीजेपी आने से कितना फर्क पड़ेगा पता नहीं, लेकिन जितिन पहले नेता नहीं है, न ही ये सिलसिला थमने के संकेत। लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। जो हमारा जनता के प्रति जुड़ाव था उस कांग्रेस का उस टाइम पे वो घटता चला गया। हमारे चुनावी प्रदर्शन बद से बदतर होते चले गए। जब मुझे लगा कि नहीं वहाँ उन चीज़ों की पूर्ति हो रही है और दिशाहीन हो गई है तो मैंने ये फैसला लिया। जितिन प्रसाद के जीत हार के रिकॉर्ड से परे उनका हाथ छोड़कर कमल थामने का निर्णय अहम है। जितिन का परिवार 3 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ है। वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, सांसद रहे, मंत्री रहे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पीवी नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस उपाध्यक्ष भी रहे। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई डील करने नहीं जाते, और मैं उन लोगों में से उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो सौदा करते हूं। मेरा आगे का जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निकलेगा। प्रयास करूंगा जो उनके सिद्धांत हैं वो पूरा करूं, उस दिशा में चलूं, इस देश को मजबूत करूं, कुछ योगदान दूं। ये दशक जो है आने वाला ये बहुत निर्णायक होगा युवा पीढ़ी।
कांग्रेस इन दिनों दो खेमों में बटी दिख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी गांधी परिवार में अकूत आस्था है, दूसरी तरफ G23 नाम का वो असंतुष्ट गुट जो कांग्रेस में बदलाव को लेकर मुखर है, हालांकि पार्टी छोड़ नहीं रहा है। हालांकि जितिन भी G23 गुट के सदस्य थे, जितिन कांग्रेस के लिए पराये हो गए और सवाल उठने लगे कि अभी और पतझड़ होना बाकी है। 4 जून तक जितिन प्रसाद भी कांग्रेस के इस असंतुष्ट 23 गुट के हिस्सा थे, लेकिन अब वो टीम मोदी का हिस्सा है। बीजेपी के यूपी के मिशन 2022 का अहम चेहरा है। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस नेतृत्व चिर निद्रा में है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग टलती जा रही है, विकल्प भी सीमित है। पहले सोनिया, फिर राहुल, फिर सोनिया और अब फिर राहुल के ही नाम पर चर्चा। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई जारी है। सवाल ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। कांग्रेस में निष्ठा परिवर्तन के साथ पार्टी परिवर्तन, आलाकमान या राज्य नेतृत्व के खिलाफ बगावत उसके इतिहास का हिस्सा है। लेकिन 2014 के बाद से जैसे कांग्रेस ने भी हथियार डाल दिए, न जमीनी संगठन बच पा रहा है, न जमीनी नेता, न पुरानी साख। कांग्रेस में कलह के इतने मोर्चे खुले हैं कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से संभालने की शुरुआत करें। यूपी संभालने की कोशिश में राजस्थान का रण बेलगाम होने लगता है, राजस्थान पर सोचना शुरू करें तो पंजाब बिदक जाता है। कितने साल, कितने चेहरे, कितने नाम। किताबों में और स्थापना समारोहों में दर्ज है कि 135 साल पुराना इतिहास है कांग्रेस का, लेकिन इतने साल के इतिहास में इतने पैबंद लगे कि तथ्य अनदेखे रहे। ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तब तीन पट्टी वाला झंडा इसकी पहचान था। आजादी के बाद तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस का चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हो गया। इसी चिन्ह के साथ उन्होंने चुनाव लड़े। आजादी से पहले ही कांग्रेस दो बार टूटी थी, एक बार मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में। आजादी के बाद 1951 में जेबी कृपलानी ने पहली बार कांग्रेस को तोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। इसके बाद 1956, 1959, 1964, 1966, 1967, 1969 में कांग्रेस से टूटकर अलग पार्टियां बनी। 1978, 1981, 1984 में कांग्रेस फिर टूटी और 1986 में प्रणब मुखर्जी ने भी अलग पार्टी बनाई थी। इनमें से 1969 और 1978 में इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस में विभाजन हुआ। 1969 में आपसी मतभेदों के चलते कांग्रेस टूट गई। इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस की नींव डाली, जिसका नाम उन्होंने कांग्रेस आर रखा। उनकी नई कांग्रेस का चिन्ह गाय और बछड़ा था। एक मजाक का पात बनाया गया कि इंदिरा गांधी गोया गाय है और बछड़ा संजय गांधी है। ये सब 73, 74, 75 के समय से शुरू हुआ, जब इंदिरा गांधी का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिर गया। कांग्रेस का देखिए बड़ा इससे पहले बड़ा एक तरीके से स्वर्णिम इतिहास था और कांग्रेस के प्रति मतदाताओं की बड़ी निष्ठा थी। जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, तो वहां के ऊपर पूरा एक नारा था कि अ वोट फॉर नेहरू इज अ वोट फॉर कांग्रेस। मतलब अगर आप जवाहरलाल नेहरू को वोट देंगे तो आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। तो इतना रुतबा था जवाहरलाल नेहरू का, एक व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर पूरे देश में वोट मिल रहा था, जैसे कांग्रेस को फायदा हो रहा था।
ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के वोट से जवाहरलाल नेहरू को या इंदिरा गांधी को फायदा हो रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है, ये बाद की शुरुआत भी, जब 1967 के बाद में जब कास्ट बेग राजनीतिक दल सामने आए और तरह तरह के जो थे समीकरण बनने लगे, तिगड़ा बन लगी, कांग्रेस में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ 1969 में, और उसके बाद का जो समय आया, फिर इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा 71 का चुनाव जीता गरीबी हटाओ के बाद, फिर उन्होंने पाकिस्तान को दो फाड़ किया, तो विपक्ष जैसे बिल्कुल बौखला गया था और उसने इंदिरा गांधी के ऊपर हर तरह के इल्जाम लगाए। पुरानी कांग्रेस के कामराज के साथ चली गई, उसका नाम कांग्रेस ओ रखा गया। उसका चिन्ह तब तीन पट्टी के बीच चरखा था। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में फिर असंतुष्टों का एक ग्रुप तैयार हुआ। कांग्रेस फिर टूटी। इंदिरा गांधी ने अपने हिस्से वाली कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई रखा, जिसका मतलब था कांग्रेस इंदिरा, और इस नई पार्टी का चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा। बूटा सिंह जब बड़े एक्टिव थे, नरसिम्हा राव जी जब बड़े एक्टिव सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी हैदराबाद के अंदर थी, ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसे बाकी जगह लिखा है। जब इलेक्शन कमीशन ने ऑफर किया, उन्होंने तीन सिंबल को ऑफर किया था, हाथी, साइकिल और पंजा, हाथ। जब बूटा सिंह की उनकी आवाज ऐसी थी, हैदराबाद में बैठी थी, बात कर रही थी, बार बार वो कह रहे थे हाथ का सिंबल, तो इंदिरा गांधी समझ नहीं पा रही थी, ऐसा अखबारों में छपा और मैंने भी सुना किसी से, उन्होंने कहा हाथ का मतलब क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग, हाथी, उसका नहीं हाथी नहीं हाथ। फिर नरसिम्हा राव जी ने उन्हें उसको फोन पकड़ा दिया, गंगा ने समझा कि वो कह रहे पाम यानी कि पंजा, इसलिए पंजा चुना गया। 1981 में कांग्रेस आई का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। आजाद भारत की पहली टूट के बाद से कांग्रेस से निकलकर लगभग 70 पार्टियां बनी, उनमें से अधिकतर का अब अस्तित्व नहीं। एक समय कांग्रेस ने यह भी देखा जब नारायण दत्त तिवारी, माधवराव सिंधिया, ए के एंटनी, पी चिदम्बरम ने भी बगावत की या नई पार्टी बनाई। शरद पवार ने तो दो बार कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाई। पश्चिम बंगाल में आज जिस टीएमसी की वजह से कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई, उस टीएमसी की ममता बनर्जी भी कांग्रेस से टूट कर ही निकली थी। 2016 में पार्टी आखिरी बार टूटी जब अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस के साथ मुश्किलें अगर नेतृत्व के स्तर पर हैं तो संगठन के चुनावों की समस्या भी कम बड़ी नहीं है। अक्सर विपक्ष पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस में पदाधिकारियों को लेकर आंतरिक चुनाव न होना उनके आरोपों को बल भी देता है। पुरानी पार्टी है, नए जोश को जोड़ना है तो जिम्मेदारी और अधिकार दोनों सौंपने की जरूरत होती ही है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर के बीच खुली जंग है वर्चस्व की। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच पीढ़ी की सोच का द्वंद्वात्मक फासला है। कहने को मतभेद सुलझाने की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन जब पार्टी में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल ही 2 साल से लंबित पड़ा हो, वहां राज्य स्तरीय विवादों का समाधान कैसे? पायलट साहब कहते हैं वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए। पायलट साहब ये बात करते रहे। राजस्थान और पंजाब में पार्टी के अंदर की खींचतान को अगर बारीकी से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ कुछ सवाल उठते। सचिन पायलट, जिनकी राजनीतिक विरासत की जड़ें ही कांग्रेस की मिट्टी में, जो गहलोत के साथ विवाद को पार्टी के अंदर ही सुलझाना चाहते हैं, जो बार बार पार्टी के प्रति निष्ठा प्रकट करके बीजेपी के साथ जाने से इनकार करते रहते हो, वो सम्मानजनक समझौते से वंचित रह जाते हैं।
डिप्टी सीएम का पद उनसे छीन लिया जाता है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने, रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो 4.5 साल पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, जो राज्य पार्टी के एक धड़े को लेकर बगावत के खुले मूड में हैं, उन्हें पंजाब में डिप्टी सीएम बनाए जाने की सिफारिश है। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं, ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इस डेमोक्रेटिक पार्टी में सबको हक है अपना कंसर्न रेज करने का, और विद इन द पार्टी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, और हमारे पास जैसे कमेटी बना दी गई है और हाईकमांड इसको देख रही है। सारी लड़ाई नेतृत्व की दिखती, वर्चस्व की दिखती, इस सब के बीच पार्टी कहीं पीछे रह जाती। पार्टी को भी ये देखना होगा कि संगठन के स्तर पर जब कमजोरियां होती हैं, तो बगावत आसान हो ही जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पार्टी में चुनाव आखिरी बार 21 साल पहले साल 2000 में हुआ था। तब जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनावों पर ध्यान दिया जाए तो आखिरी चुनाव 1997 में सीताराम केसरी के समय में हुआ था। 2013 में आखिरी चिंतन शिविर हुआ था। 2014 में लोकसभा में मिली करारी हार के बाद भी सन्नाटा है। 2019 के बाद बेचैनी है, बगावत है और विद्रोह है, लेकिन मंथन अब भी नहीं है। कांग्रेस के पास हिमालय सी नेहरू गांधी की वैचारिक विरासत है, देश पर शासन का दशकों पुराना अनुभव है, फिर क्यों आज कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझने के लिए मजबूर है? संगठन और सोच में कमी है या विपक्ष के पास मजबूत नेतृत्व और विचारधारा है? जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे पचाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। दशकों की राजनीति के बाद भावनाओं की जमीन पर आंसू गिरे तो विचारों का नया संगठन तैयार हुआ। कांग्रेस के 23 नेताओं ने G23 नाम से एक समूह बनाया, जिसने अपने हाथों में आईने थाम लिए, ऐसे आईने जिनमें कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व झांक कर चिंतन कर सके। दुर्भाग्य से हमारी शिकस्त होती गई, हम कमजोर हो गए, और उसका नुकसान देश को हुआ, उसका फायदा सत्ताधारी दल को, ठीक ओबीसी देश की पार्टी। और एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जैसा प्रजातंत्र में मैंने कहा अलग अलग विचारधाराएं होती है, और देश में भी सोच संगठन के अंदर भी वो रहती है, और अगर कोई अपना मत ना व्यक्त करे कि इसका मतलब कोई क्या निकाल ले, फिर वो ना घर मजबूत रहता, ना समाज, ना संगठन। G23 समूह के अंदर ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा राजीव के दौर से लेकर सोनिया राहुल तक के समय को देखा है। इन लोगों ने गठबंधन की सरकारों से लेकर अटल मोदी तक का समय भी देखा है। ये पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी से कुछ कहना चाहते। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती है। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता कि बड़े लीडर है हमारे, प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो अगर ही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप
एक मुस्लिमी दुनिया में रहते हैं, एक आर्जी दुनिया में रहते हैं, आदमी को फख्र होना चाहिए। जितेंद्र प्रसाद निकल आए तो अब ये समूह G23 से G22 रह गया। अगर इन बातों को छोड़ भी दें तो नसीहतों के सुर रोज सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व इसे कितना सुन रहा है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने ग्रुप ऑफ 23 ने ये इश्यू रेस किया था कि हमारी पार्टी को आप रिफॉर्म कीजिए, हमें सुनिए। सुने नहीं सुने वो अलग बात है। राजनीति में संगठन की शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार की स्थिति में आते जाते रहना पड़ता है। हार हो भी जाए तो मंथन करके उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन जब सिंधिया और जितेंद्र जैसे युवा नेता दूर होने लगे, राजस्थान पंजाब जैसी कलह सामने आने लगे, तब उसे अलार्म मानते हुए जागना जरूरी होता है। यूपी चुनाव सामने हैं और यहीं से शुरू होगी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा संगठन नीति और रणनीति के लिहाज से। पार्टी में भी दरअसल लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। अगर एक नहीं कई कई आवाजें एक ही चीज एक ही सुझाव दे रहे हो तो शायद उन्हें सुनने में ही भलाई हो। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।